हेलो गाइस, तो मैं ये मटेरियल यूज़ करने वाला हूँ इस ड्राइंग में। ये कोहिनूर ब्रांड के पेंसिल्स हैं और ये ड्राई ब्रश फिलबर्ट का है और आर्ट लाइन की पेंसिल है और ये कुछ मेकअप ब्रशेज़ हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं। और ये मेकअप ब्रशेज़ आपको ब्लेंडिंग करने में बहुत ईजली होगा क्योंकि ये ब्रशेज़ जो फिलबर्ट ब्रांड के हैं बहुत ही कॉस्टली हैं। सो आप ये मेकअप ब्रश यूज़ कर सकते हैं और ये भी एक ड्राई ब्रश की तरह मैं यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग करने के लिए। और ये कुछ ब्लेंडिंग स्टम्प्स हैं और ये स्टेडलर ब्रांड की 0.5 mm की क्लच पेंसिल है और ये 0.3 mm की शकूरा की क्लच पेंसिल है। और सॉफ्ट टिश्यू, अगर आपको कोई सॉफ्ट टिश्यू मिल जाता है तो ब्लेंडिंग करने में आपको बहुत ही आसानी होगा। सो गाइज, ये मटेरियल्स हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पे आर्ट लाइन की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंड करने के लिए और ड्रॉ करने के लिए। सिंपल बेसिक आउटलाइन हमें ड्रॉ करना है फर्स्ट स्टेप में। ये आर्ट लाइन की पेंसिल है हमारी 6B पेंसिल है। वैसे आपको डायरेक्ट 6B पे जंप नहीं करना है, तो मैं बहुत ही लाइट यूज़ कर रहा हूँ 6B को, इसलिए मैंने 6B यूज़ किया है। आप 3B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और आइज के इनर वाले पार्ट को हमें बहुत ही केयरफुली आउटलाइन करना है क्योंकि अगर ज़रा सा भी गलती हुआ तो वो जो हमारा बीच वाला पार्ट है वो परफेक्टली सर्कल होता है, सो उसके रेशो में डिस्टर्बेंस आ जाएगा। और आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो मेरा जो आइज़ है, ये मैंने नीचे वाले पार्ट को बहुत ही लाइटली ड्रॉ किया है। सो गाइस, बहुत ही लाइटली ड्रॉ करने का ये मोटिव था मेरा कि जो हमारा आइज़ होता है, आप अगर अपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा तो नीचे वाला पार्ट जो होता है बहुत ही लाइटली होता है। सो गाइस, आपको इस वाले पार्ट को बहुत ही केयरफुली ड्रॉ करना है। ऊपर वाले पार्ट को आप डार्क कर सकते हैं बट नीचे वाले पार्ट को आपको थोड़ा लाइटली छोड़ना है। सो गाइस, मैं यहाँ पे मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंड करने के लिए। ये मेकअप ब्रश बहुत ही चीप होता है, आपको कहीं पर भी मिल जाएगा किसी भी शॉप पे। और जो फिलबर्ट का मेरा ब्लेंडिंग ब्रश है या ड्राई ब्रश है वो बहुत ही कॉस्टली है, सो अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सो आप ये मेकअप ब्रशेज यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि जो हमारा मेकअप ब्रश है उसके आगे वाला पार्ट जो होता है बहुत ही स्मूथ होता है, सो आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी। और गाइज, मैं आप देखिएगा, मैंने यहाँ पर नीडेड इरेज़र यूज़ किया है। नीडेड इरेज़र हाइलाइट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप आइज़ बनाते हैं या कोई भी डार्क एरिया है उसमें कोई पॉइंट सा आपको रब करना है, बिल्कुल सॉफ्ट पॉइंट रब करना है, सो गाइज आप ये नीडेड इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। नीडेड इरेज़र की बहुत ख़ास बात ये है कि ये ना, इसके कंपाउंड जो होते हैं बहुत ही स्टिकी होते हैं, सो आप जहाँ भी टच करते हैं इसे वो पार्ट जो है आपका बिल्कुल ही रब हो जाता है ग्रेफाइट का। अगर यही आप नॉर्मल इरेज़र से रब करने की कोशिश करेंगे तो आपका ड्राइंग ख़राब हो जाएगा, बट इसे हम लोग पॉइंटेडली रब कर सकते हैं। सो गाइज, अब हम लोग आइज़ के नीचे वाले पार्ट को हमने ब्रश से ब्लेंड किया था। सो आइज़ के जो बाउंड्री हैं इसको हमें बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। कभी भी बाउंड्री को आप देखेंगे तो कोई बाउंड्री हार्ड नहीं है बिल्कुल भी, वो बहुत ही सॉफ्ट है बाउंड्री। सो मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प्स यूज़ कर रहा हूँ उस बाउंड्री को स्मज करने के लिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं अगर आपको कोई सा भी मटेरियल चाहिए तो। आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, अगर आपका घर कहीं दूर है तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। और मैंने पेपर यहाँ पे 250 GSM यूज़ कर रहा हूँ कैंसन का। आप चाहे तो चार्ट पे भी बना सकते हैं, आपको सेम इफेक्ट मिलेगा। सो गाइज, मेरा कैमरा बीच में ही बंद हो गया था, सो ये पार्ट नोज का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। गाइज, इसमें मैंने एक मिस्टेक किया है कि मैंने एक पार्ट पे पूरा कंप्लीट नहीं किया और मैं दूसरे पार्ट में जंप कर गया। सो गाइज, ये मिस्टेक आपको नहीं करना है और आने वाली वीडियोज़ में मैं ये गलती नहीं करूँगा। पहले आपको जो आइज़ बनाना है वो बहुत ही परफेक्टली बनाना है,
उसके बाद आपको दूसरे पार्ट में जंप करना है। चाहे आप कोई सा भी पार्ट बनाएं, चाहे आप हेड का शेडिंग करने वाला पार्ट बनाएं, या फिर आइज का पार्ट बनाएं, या आप नोज़ का पार्ट बनाएं, लेकिन जो भी पार्ट बनाएं आपको सबसे पहले उसको फुली पूरे अच्छे ढंग से पहले आपको करना है। उसके बाद दूसरे लेवल पे जंप करना है। सो गाइज, यहाँ पे मैंने ये गलती किया था कि मैंने एक पार्ट को पूरा कंप्लीट नहीं किया, और गाइज मैं इसे ब्लेंड करने के लिए टिश्यू यूज़ कर रहा हूँ। टिश्यू जब आप शेडिंग करेंगे फेस पे तो आपको लेयरिंग करना होगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबसे लाइट टोन का लेयरिंग किया है, गाइस। टिश्यू इसलिए यूज़ करते हैं ब्लेंड करने के लिए फेस पे, क्योंकि फेस का जो एरिया होता है बहुत ही ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नोज़ का एरिया और आइज़ का एरिया। तो यहाँ पे अगर आप ब्लेंडिंग स्टम्प्स यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही पैचेस नज़र आएंगे आपके ड्राइंग में। सो वो पैचेस को अवॉइड करने के लिए हम लोग टिश्यू यूज़ करते हैं। सो गाइस, अब दूसरे आइज़ को हम लोग ड्रॉ करेंगे। ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा ज़्यादा डार्क रखेंगे और नीचे वाले पार्ट को बहुत ही लाइट रखेंगे। सो गाइज, ड्राई ब्रश से हम लोग ऊपर वाले पार्ट को ब्लेंड करेंगे। और गाइज, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मैंने आई लैशेज़ नहीं बनाया, और मैं आई लैशेज़ बाद में बनाता हूँ इस ड्राइंग में। सो ये गलती मैंने किया था, और ये गलती आपको अवॉइड करना है। आपको पहले पूरे पार्ट को परफेक्टली बनाना है। और ये आप देखेंगे कि मैंने आइज़ के आइरिस वाले पार्ट को मैंने हाईलाइट छोड़ा है। सो गाइज, ये बहुत ही अट्रैक्टिव इफेक्ट देता है आइज़ में जब भी आप ड्रॉ करते हैं। सो आप ये इफेक्ट दे सकते हैं, बिल्कुल जब आपने आइरिस बनाया है उसके बाउंड्री पे आपको हमारा जो नीडेड इरेजर है उसको यूज़ करके कवर अप करना है। और ब्लेंडिंग स्टम्प से मैं आइज़ के लोअर वाले पार्ट को हाईलाइट करूँगा। सो गाइस, जो आईब्रोज बनाएंगे हमको पहले इसके बाउंड्री को बहुत ही लाइटली ड्रॉ करना है, उसके बाद ब्लेंड करूँगा मैं। और कोई भी डार्क पेंसिल से आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइट्स को ड्रॉ करने के लिए। गाइज, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है उसको मैंने ठीक से नहीं ड्रॉ कर पाया हूँ, इवनली नहीं शेड हो पाया है, क्योंकि वहाँ पे हार्ड लाइन यूज़ हो गया था। तो आप जब भी ड्रॉ करेंगे या शेड करेंगे तो पेंसिल के टिप को मत शेड कीजिएगा, आपको पेंसिल के साइड वाले पार्ट से शेडिंग करना है, उसके लैटरली आपको शेड करना है। क्यों शेड करना है? क्योंकि अगर आप हार्ड वाले पार्ट को, सामने वाले पार्ट को अगर आप शेड करेंगे उससे, सो ऐसे डार्क टोन्स आपको मिलेंगे। सो ये हार्ड टोन है, और ये इस हार्ड पार्ट को हम लोग रब भी नहीं कर सकते हैं, रब करेंगे तो हमारा ड्रॉइंग ख़राब हो जाएगा। सो गाइस, इस गलती को अवॉइड करना है। गाइज, अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखते हैं तो आपका ड्राइंग बेटर होता है, और आप सेम गलती अवॉइड करते हैं तो आपको कम टाइम लगता है इम्प्रूव करने में। सो गाइज, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप वो चीज़ फॉलो करेंगे तो आपका बहुत ही जल्दी आपका ड्राइंग इम्प्रूव हो जाएगा। और गाइज, मैंने कहीं से भी नहीं सीखा है, मैं बस प्रैक्टिस करके सीखा हूँ। सो गाइज, जो मैं गलतियाँ बताऊँगा वो जेन्युइन होंगी, सो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप मेरी बात को मान सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। गाइज, मैं लाइव स्केचिंग के बारे में ही बहुत इस बारी में सीख रहा हूँ, लाइव स्केचिंग वगैरह भी। सो गाइज, उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे आने वाली वीडियोस में। सो हम लोग फेस के आउटलाइन को जब बनाएंगे, सो बहुत ही डार्क, ज़्यादा हम लोग डार्क नहीं करेंगे, बहुत ही लाइट लाइट करेंगे। और उसके बाद जब ब्लेंडिंग करेंगे हम लोग,
सो वो लाइन स्मज हो जाएगा हमारे शीट पे, ताकि वो लाइन उभर के आए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने क्या गलती किया है, कि मैंने पहले अब नेक को मैं शेड कर रहा हूँ और मैं अब हेयर पे हेयर को शेड कर रहा हूँ। मैंने लिप्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया और राइट साइड वाला हमारा फेस भी बहुत ही एम्प्टी है, उसको ठीक से नहीं शेड किया, और चिन वाला पार्ट भी हमारा अभी ढंग से शेड नहीं हुआ है। गाइज ये गलतियाँ हैं जो आपको अवॉइड करना है, मैं बार बार इस चीज़ पर इम्फेसिस कर रहा हूँ, क्योंकि ये गलती लोग अनजाने में करते हैं और जब पूरा बन जाता है तो उन्हें पता चलता है। सो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ये चीज़ करके कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोग का ध्यान डिस्ट्रीब्यूटेड था, हम लोग एक चीज़ पे हम लोग का ध्यान नहीं था। हम लोग चाहते हैं बस कि हमारा पोर्ट्रेट या जो भी ड्राइंग हो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, और उसके हम लोग परफेक्शन पे हम लोग ध्यान नहीं देते, उसके शेप्स और उसके शेडिंग पे हम लोग ध्यान नहीं देते। इस वजह से गाइज ये गलतियाँ होती हैं जल्दी जल्दी करने में। सो गाइज पेशेंस का काम है ये, बहुत ही पेशेंस का, आपको बहुत ही आराम से बनाना है पोर्ट्रेट अगर आप जब भी बनाने का शुरू करते हैं। तो गाइज पहले उस रेफरेंस को ऑब्जर्व किया कीजिए, उस पार्ट को ऑब्जर्व किया कीजिए जो आप बनाने वाले हैं, जैसे जो आपका आइज़ है उसे ऑब्जर्व कीजिए ध्यान से आप, कि क्या है वो आइज़, कैसे शेप हैं, क्या है कहाँ कहाँ पे हाइलाइट्स हैं। कहाँ पे डार्क टोन है, कहाँ पे लाइट टोन है, इसे थोड़ा ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद बनाना शुरू करेंगे तो गाइज गलतियों की चांसेस कम होंगे। सो गाइज यहाँ पे मैं बड़ा वाला ब्रश यूज़ कर रहा हूँ जो हमारे इरेज्ड पार्ट है उसको हटाने के लिए। इस बड़े ब्रश का काम यह है कि अगर आप हाथ से इसे हटाते हैं, जो भी आपका इरेज्ड पार्ट है, इरेजर का जो स्टफ़ है, डस्ट है, सो आपके ड्राइंग में पैचेस आ जाएंगे, और अगर गलती से कोई कीड़ा या फिर कोई छोटा सा इंसेक्ट आपके ड्राइंग पे आ जाता है, सो अगर आप उसे हाथ से हटाते हैं तो वो दब जाता है और इस वजह से आपके ड्राइंग ख़राब हो जाता है। सो गाइज ये ब्रश यूज़ करेंगे, बहुत ही सॉफ्ट ब्रश होता है, ये आपको मेकअप ब्रश के सेट में ही मिलेगा, सो डस्ट हटाने के लिए आप ये ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने आईलैशेस बाद में बनाया, लिप्स बनाने के बाद मैंने आईलैशेस बनाया। ये आपको नहीं करना है, आपको पहले आईज को पूरा कंप्लीट करना है। अब हम लोग चिन के हाइलाइट्स को ड्रॉ करेंगे, जो हमारा लोअर वाला पार्ट है उसको बहुत ही आराम से हमको शेड करना है, और उसके बाद उसके एंड वाले पार्ट को ब्लेंड कर देना है। अब हम लोग लेयरिंग कर रहे हैं फेस की शेडिंग पे, लेयरिंग कर रहे हैं गाइस। पहले मैंने स्मूथ लेयर किया था, बहुत ही लाइट लेयर चढ़ाया था। अब हम लोग थोड़ा सा डार्क लेयर चढ़ाएंगे। गाइज जो हमारा एंड वाला पार्ट है, जो आउटलाइन है फेस का, उसको ड्रॉ करने में ये लाइन मेरा स्ट्रेट नहीं था, आपको बहुत ही बारीकी से वो लाइन को स्ट्रेट बनाना है। ये लाइन थोड़ा सा फोल्ड हो गया है नीचे वाले साइड में, इस फोल्ड के कारण वो जो हमारा फेस है वो इवन नहीं लगेगा और बहुत ही ख़राब हो जाता है, सो ये गलती हो गया था। तो गाइज जैसे जैसे मैं और ड्राॅइंग बनाऊँगा इस मिस्टेक को मैं अवॉइड करूँगा, और आप भी अगर अपना ड्राइंग बना रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं,
सो इन गलतियों को अवॉइड करेंगे तो आप सीख सकते हैं। सो गाइज, लिप्स के लोअर वाले पार्ट को और बीच वाले पार्ट को हम लोग छोटे वाले ब्लेंडिंग स्टम्प से शेड करेंगे सो दैट कि वो स्मज हो जाए फेस में। सो गाइज, अब हम लोग हेयर बनाएंगे और ईयर को बनाएंगे। सो ईयर के पास हम लोग उसको बहुत ही ईजली और बहुत ही HB पेंसिल से पहले आउटलाइन कर लेंगे। और उसके ईयर रिंग्स को बहुत ही अच्छे से डिफाइन करेंगे सो दैट जब हम लोग शेडिंग करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। और जो एरिया डार्क है उसे आप थोड़ा सा डार्क कर दें और जो लाइट है उसे बिल्कुल ही छोड़ ही दें आप, क्योंकि जब आप ब्लेंड करेंगे या ड्राई ब्रश से सो उस डार्क वाले पार्ट से वो लाइट वाला पार्ट अपने आप ही ब्लेंड हो जाएगा। सो अगर आप उस वाले पार्ट को वाइट छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। गाइज, हेयर बनाने में मैं ये इंडेंटेशन टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ। आपको ये इंडेंटेशन जो आप खाली बॉल पेन है आपका, आप उसे बना सकते हैं, इंग्रेव कर सकते हैं बालों के शेप्स को इससे। और उसके बाद जब आप इस पर शेड करेंगे सो जो वाइट वाला पार्ट है वो उभर के आएगा इन वाले इस पे। सो गाइज, मैं बाल बनाने के लिए चारकोल यूज़ करूँगा हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। बहुत ही लाइट लाइट आपको चारकोल को चलाना है। चारकोल कंप्रेस्ड चारकोल यूज़ कर रहा हूँ मैं। आप देख सकते हैं कि जो बाल का हमारा एरिया है बहुत ही डिफाइन होके आया है। एक एक बाल आपको डिजाइनिंग होके नज़र आएगा। और जो जिस पार्ट को हम लोग कंप्रेस्ड चारकोल से नहीं कवर कर पाए उस पार्ट को हम लोग
कवर करेंगे अपने चारकोल पेंसिल से। सो इसे टिश्यू से ब्लेंड कर देंगे और इसके आउटलाइन को भी, सो दैट ऐसा लगे कि मर्ज है हमारे फेस पे। और फिर अगर आप चाहें तो आप इसके हार्ड लाइट्स बना सकते हैं फेसेस पे, फेस के राइट साइड और लेफ्ट साइड और टॉप हेयर पे जो एक्स्ट्रा बाल बाहर निकले होते हैं उनको आप हाइलाइट्स के दिखा सकते हैं। गाइज मैंने ग्रिड मेथड से इसे ड्रॉ किया है, अगर आप चाहते हैं कि ग्रिड मेथड पे मैं अगर अलग से कोई वीडियो बनाऊं, सो आप मेरे को बोल सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, तो मैं उस पर अलग वीडियोस बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा कि कैसे आप ये ग्रिड मेथड से कोई भी पोर्ट्रेट ईजिली बना सकते हैं। सो अब हम लोग बैकग्राउंड इसी बाल वाले पार्ट से हम लोग थोड़ा चारकोल उठा के हम लोग बैकग्राउंड बना देंगे। तो गाइज अब हम लोग अपने क्लोथ्स को जो है साड़ी है उस पर हम लोग इफ़ेक्ट देंगे, बिल्कुल ब्रेंडिंग का इफेक्ट देंगे और जो डिज़ाइन है उसको हम लोग ब्रेंडिंग स्टम्प से ब्रेंड कर देंगे। गाइज यहाँ मैंने स्मजिंग के लिए अपने फिंगर को भी यूज़ किया है और ताकि बैलेंस स्मजिंग हो, आप फिंगर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब उस हाईलाइट पार्ट को हम लोग पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। गाइस नेक वाले रीजन को सबसे पहले हम लोग बेस लेयर बनाएंगे, बहुत ही स्मूथ शेडिंग करके बेस लेयर बनाएंगे हम लोग और उसे ब्लेंड कर देंगे।
और जो डार्क एरिया है हमारा उसे डार्क करेंगे। पहले तो बेस लेयर बनाएंगे, पूरे पूरे एरिया को कवर अप करेंगे हम लोग बेस लेयर बना के। बेस लेयर बनाने के लिए आप नॉर्मल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, HB या 2B। उससे ऊपर अगर आप पेंसिल यूज़ करते हैं तो आपका बहुत ही डार्क हो जाएगा और वो बहुत ही मैसी हो जाएगा ड्राइंग। सो गाइज, जो चीज़ बताने वाला पार्ट था आपको कि जहाँ पे आपको ध्यान रखना है उस चीज़ को, वो चीज़ मैंने पूरा कवर अप किया है इस वीडियो में। और अगर आप फिर से रिकॉल करना चाहें तो रिकॉल करते हैं जो स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया पॉइंट वाइज। नंबर वन पॉइंट, आपको पहले बेस लेयर बनाना है, बिल्कुल परफेक्टली बनाना है नोज़ के पार्ट को, नोज़ के शेडिंग वाले पार्ट को, कहाँ पर डार्क टोन होगा और कहाँ पर लाइट टोन होगा उस वाले पार्ट को आपको HB पेंसिल से शेड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, जो आप पार्ट शेडिंग करेंगे, जब आप शेडिंग करने पे आएंगे तो एक चीज़ को पहले स्टार्ट करना है और उस चीज़ को बिल्कुल एंड तक फिनिश करना है। लाइक अगर आप आइज़ को स्टार्ट करते हैं, तो पहले उस चीज़ को पूरा कंप्लीट करना है, सिर्फ उसी आइज़ को पूरा कंप्लीट करना है और दूसरे पार्ट पे आपको जंप नहीं करना है। पहले एक ही आइज़, अगर आपने लेफ्ट आइज़ बनाया है तो उस आइज़ को पहले बिल्कुल परफेक्टली पूरा ड्रॉ कर देना है, उसके बाद आप दूसरे आइज़ पे जंप कीजिए, उसके बाद आप नोज़ पे जंप कीजिए, उसके बाद आप लिप्स पे, उसके बाद आप फेस के शेडिंग पे, फिर आप हेड के शेडिंग पे, फिर आप हेयर पे, क्लोथ पे, फिर नीचे। आपको यही चीज़ करना है, या फिर आप टॉप टू बॉटम आ सकते हैं या लेफ्ट टू राइट आ सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप प्रेफर करेंगे, बट टॉप टू बॉटम ज़्यादा आसान होता है क्योंकि, और बहुत सारे आर्टिस्ट यही प्रेफर करते हैं क्योंकि टॉप टू बॉटम जब आप आते हैं तो हमारा आपका जो हाथ है वो ऊपर होने का चांसेस कम होता है, तो आपका जो ड्राइंग है वो ख़राब नहीं होगा, वो इजीली होगा। और मैं यहाँ पे वाइट पेन का यूज़ कर रहा हूँ हाइलाइट्स के लिए। तो यही कुछ बातें हैं आपको ध्यान में रखना है। और जब भी आप जो शेडिंग करते हैं, बेस लेयर बनाते हैं, जैसे यहाँ मैंने नेक के पार्ट पे मैंने कुछ ज़्यादा डार्क कर दिया है और बेस लेयर को मैं ठीक से नहीं बना पाया हूँ, तो ये कुछ गलतियाँ हैं इस ड्राइंग के एनालिसिस में आपको मैंने बताया कि ये कुछ गलतियाँ हैं, आपको इसका ध्यान रखना है। और गाइज, आने वाली वीडियोज़ में मैं लाइव स्केचिंग के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ, और कोई टॉपिक आप चाहते हैं और तो मैं आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर कवर अप करूँगा। और आने वाली वीडियो में मैं पोर्ट्रेट स्केचिंग के बेसिक्स स्टेप्स को शेयर करने वाला हूँ कि अगर आप लाइव पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं।
सो हमारा ये पोर्ट्रेट रेडी है और हम लोग आने वाली वीडियोस में ऐसे ही करेंगे कि पहले टाइम लैप्स में आपको अपलोड करके दूंगा और उसके बाद गाइज हम लोग स्टेप बाय स्टेप उसके ट्यूटोरियल बनाएंगे ताकि आप उसका एनालिसिस और क्या गलतियां हैं क्या सही हैं वो सब कुछ आप जज कर सकें और पकड़ सकें।